ध्यायेत् कोटि दिवाकर द्युति निभा मेरी माता कदर है निराला। मेरा नाम तुलाराम जी। तुलाराम जी, कब से आप ये जो बजा रहे हैं क्या बोलते हैं? चलो माता रानी की दया से ये साज माता का है, ढोल नगारा। ठीक है, ये सबसे पहला ये बजना चाहिए, फिर माता का पूजन होता है। और हम जो है इस काम को बहुत साल से कर रहे हैं। कितनी पीढ़ियों से ये काम करते हैं? ये हमारे पिताजी भी करते थे, दादाजी भी करते थे, इससे पहला यहाँ मेरे बड़े भाई होते थे। इसके अलावा आप क्या काम करते हो? मैं इसके अलावा जिम्मेदारा करता हूँ। तो साथ में गाने का भी? हाँ, बीच में भजन माता के हम सुना लेते हैं कभी कभी, जब पूरी पार्टी होती है, हारमोनियम होता है। थोड़ा सा कुछ गुनगुनाएंगे माता के दरबार में? आपके बोलो शेरावाली मैया की जय। मेरी माता कदर है निराला। बोलो साचे दरबार की जय। मेरी माता कदर है निराला। शेरावाली कदर है निराला। हो माता रानी कदर है निराला। तारा मैया का दर है निराला। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पेड़ों पे काफ़ी चुन्नियाँ बंधी हुई है जी, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? इसके बारे में ऐसा है जी कि ये चुन्नी बांध जाते हैं अपनी मान्यता पर जी। माता मनोकामना पूरी करती है तो यहाँ दोबारा आना पड़ता है, तब कोई ना कोई चुन्नी खोलनी पड़ती है, उसकी गांठ खोलनी पड़ती है। अभी दे के जाते हैं और माता मनोकामना पूरी करती है सबकी। जैसे यहाँ पे पर्ची कटती है, जैसे लोग बाहर से रहते हैं वो भी दान करते हैं, उनके लिए कोई किस हिसाब से अकाउंट है या कोई किस हिसाब से करते हैं? नहीं, वो ऐसा है, अगर किसी ने रसीद लेनी है तो उसका वो हमें कैश देगा, हम उसकी रसीद देते हैं, वो माता के अकाउंट में ही जाता है सारा जी। या किसी ने ऑनलाइन करना है तो स्कैन की सुविधा है जी, तो वो उस तरीके से कर सकता है, अपनी श्रद्धानुसार दान दे सकता है। बाकी ऐसी कोई करने इतने सालों से आप सेवा करते आ रहे, कैसा आनंद है माता जी? बहुत अच्छा, बहुत माता का बहुत कृपा दृष्टि है, बहुत आशीर्वाद है। और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें यहाँ माता ने सेवा का मौका दिया जी। माता देवी के जो मेन स्थान है, मुख्य स्थान है, वहाँ पर बैठे हैं वैसा पंडित जी बैठे हैं, पहले जिनका नाम जानेंगे। पंडित जी, नाम आपका? कमलेश शर्मा जी। जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा बताएंगे? देखो, भगवती का ये जो मंदिर है तारा देवी का, ये 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है जी। और इस मंदिर की स्थापना यहाँ पे महाराजा भूपेंद्र सेन ने की थी जी। कहते हैं कि एक बार जब वो शिकार खेलने के लिए इस घने जंगल में आते हैं जी, तो यहाँ पर आकाशवाणी होती है जी। और आकाशवाणी में भगवती माँ तारा देवी उनको संबोधित करती है जी। तो राजा ने जब सुना कि भगवती माँ तारा देवी बोल रही हैं, उन्होंने कहा कि ये भगवती माँ, आप मुझे दर्शन देकर के कृतार्थ करें जी। तो कहते फिर भगवती माँ तारा देवी ने उनको यहाँ दर्शन जी। आप बिल्कुल सही बात है, जो राजा थे ये पहले हिमाचल में ही था, पंजाब में कैसे इसके बारे में बताएंगे? पंजाब में भी रहा ये एरिया? ये हाँ, ये एरिया हाँ जी, हिमाचल पहले पंजाब में गिने जाते। हाँ, पंजाब में भी था जी। उसके पश्चात जब ये जो स्टेट जब बनी 1970 में है जी, उसके पश्चात ये हिमाचल में आ गया है जी, पहले तो पंजाब में थे जी। तो तत्काल उस समय में जो राजा थे यहाँ के, उस समय वो भूपेंद्र सेन हुआ करते थे जी। ठीक है जी, और वो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे जी। माँ तारा देवी का जो सबसे प्राचीन पीठ है वो पश्चिम बंगाल में है जी, जहाँ पर गामा खेपा नाम के महात्मा हुए जिन्होंने वहाँ पर भगवती माँ तारा देवी की साधना की है, और बड़े प्रसिद्ध ही महात्मा हुए वो वहाँ पर जी। व्यक्ति ऐसा होता है जहाँ भी जाता है तो अपने कुल देवी कुल देवताओं को हमेशा अपने साथ रखता है जी, उनको याद करता है। तो तत्काल की परिस्थितियों के कारण उस समय महाराजा भूपेंद्र सेन वहाँ पश्चिम बंगाल को छोड़ करके जब यहाँ आए जी, तो साथ में कहते एक छोटी सी मूर्ति भी लाए थे भगवती माँ तारा देवी की जी, और उसी की वो पूजा आराधना किया करते थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में भगवती माँ तारा देवी उनको यहाँ पर दर्शन दिए थे, और उसके पश्चात भगवती माँ की प्रेरणा से उन्होंने यहाँ पर इस स्थान की, भगवती माँ तारा देवी की इस मंदिर की स्थापना की है। तो माताओं को क्या क्या भेंट लगती है? माता को देखो, माँ को सुरस प्रकार के श्रृंगार लगते हैं, इसमें चुन्नी है, चूड़ी है, बिंदी है, काजल है, वो
भोग में हलवा है, पूरी है, चने हैं, हमारे यहाँ पे चावल है, कढ़ी है, राजमा, मटर पनीर वगैरह सभी प्रकार की जो सात्विक वस्तुएं हैं हम उसका भोग लगाते हैं भगवती माँ जी। जैसे ये भंडारा है रोज होता है कि कुछ दिन भंडारा हमारे यहाँ पे देखो एक तो रविवार को होता है, मंगलवार को होता है और सरकारी जितने भी छुट्टियाँ आते हैं उसको यहाँ पे भंडारा होता है और नवरात्र में नौ के नौ दिन भंडारा होता है जी। नवरात्र में विशेषकर जागरण वगैरह का प्रबंध कहाँ से गायक कहाँ आते हैं जी? हमारा वर्ष में यहाँ पर एक बहुत बड़ा जागरण होता है जिसका आयोजन यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा मंदिर कमेटी के द्वारा होता है जी। तो हम बड़े से बड़े गायक को यहाँ पर बुलाते हैं साल में एक बार, बाकी छोटे जागरण तो होते ही रहते हैं जी। और हम तो अब की बार हमने यहाँ पे मास्टर सलीम को बुलाया था जी, तो उनके द्वारा यहाँ पर आपकी भगवती बार भगवती माँ का गुणगान किया गया है जी। और इसी प्रकार से हम समय समय पे बड़े बड़े जागरण वालों को बुलाते रहते हैं। जैसे भी मंदिर को दोबारा से बनाया गया है, पहले चेंज किया उसके बारे में देखो, दो इस मंदिर की का जीर्णोद्धार 2014 में हमने शुरू किया था जी, जाकर के 2018 में इसका कार्य चौका जी, और 2018 में ये बन के पूर्ण रूप से तैयार होकर के पुनः फिर से हमने भगवती माँ को उनके मूल स्थान पर विराजमान। रोजाना कितने माता टेकने का? रोज को हमारे रविवार के दिन यहाँ पे 5-6 हज़ार के लगभग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और मंगलवार के दिन भी लगभग 1,500-2,000 के लगभग आते हैं और छुट्टी अगर हो जाए तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। जैसे भंडारे का आपने योजना बताया, जो भगत जन है जिनके मन में भावना है वो भी भंडारे का यहाँ कैसे प्रबंध? जितने भी भंडारे होते हैं यहाँ पे सभी भक्तों के द्वारा होते हैं। आज भी जो भंडारा है ये भी भगवती माँ के भक्त हैं उनके द्वारा है। रविवार के भंडारों को हमारे यहाँ पर 10 साल की वेटिंग चल रही है जी। 10 साल तक के आगामी 10 साल तक के भंडारे हमारे रविवार के बुक हो चुके हैं, मंगलवार के 3 साल के बुक हो गए हैं और अब हम रजिस्ट्रेड हॉलीडे को भी भंडारा करते हैं उसके भी हमारे लगभग 1-1.5 साल के भंडारे बुक हो जाते हैं। परंतु इसमें ऐसे भी भक्त आते हैं कि हमें न कोई छुट्टी चाहिए, न मंगलवार चाहिए, न रविवार चाहिए, बस हमारा भंडारा मंदिर में होना चाहिए, तो वो किसी भी करवा देते हैं जी। तो ये जो मंदिर है ये सरकार के अंडर काम कर रहे? ये वर्तमान में ये तारा देवी का मंदिर सरकार के अधिग्रहण में है, सरकार के द्वारा ही यहाँ पे ये सब कुछ व्यवस्था चलाई जाती है। जैसे तारा माता मंदिर है, कुछ श्लोक माता तारा का। ध्याये कोटि दिवाकर अद्युति निभाम बालेन्द्र युच्छे कराम रक्तांगी मृसनाम सुरक्त वसनाम पूर्णेन्दु बिंबाननाम पाशंकर त्रिमहांकुशादि ददतीं दोर्भिश्चतुर्भिर्युतां नानाभूषण भूषितां भगवतीं तारां जगत्तारिणी। तो भगवती माँ का तारा की शोभा आपने सुना हुआ, सुन लिया अभी कि ताराम जगत तारिणी, जगत को तारने वाली भगवती माँ तारा देवी है। इसके नाम का अर्थ इसके नाम में इसके नाम ही है तारा। तारा का तात्पर्य होता है जो तार भी है। तारा यदि दुर्ग संसारा तारा, ये संसार एक भव सागर है और सागर को कोई चाहे कि मैं अपने हाथों से तैर करके पार करूं तो बड़ा कठिन है, परंतु भगवती माँ तारा की कृपा जिस पर हो जाए वो इस भव सागर को भी अनायास ही पार कर देता है। जैसे हम देख रहे हैं इसमें भगवती हमारे गर्भगृह में भगवती माँ काली है, बीच में माँ तारा देवी है और इस तरफ से सरस्वती जी है। चैनल के माध्यम से क्या समझते हैं? हम यही कहना चाहते हैं जितने भी भक्त लोग इसको सुनेंगे कि जो भी शिमला आए वो एक बार भगवती माँ तारा देवी के दर्शन करने के लिए जरूर आए, क्योंकि शिमला आने का फल यही है। अब यदि आपने भगवती माँ तारा के दर्शन नहीं किए तो शिमला आना आपका उतना सार्थक नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। कितनी हाइट पे ये लगभग 7,500 फुट की हाइट पर है जी, समुद्र तट पे। सोगी है यहाँ से कितना दूरी? सोगी यहाँ पे से 5 किलोमीटर है जी। आप सोगी मुख्य में आकर के भगवती माँ तारा देवी का मंदिर बहुत ही रमणीय स्थान पर है, एक बार यदि आप आओगे तो मेरा ऐसा विश्वास है एक बार आओगे तो दर्शन करने के पश्चात आप बार बार आओगे, ऐसा स्थान है ये माँ तारा देवी। बसों की साधना बिल्कुल, यहाँ पर बसों की व्यवस्था भी है। रविवार के दिन हमारे यहाँ पे 30 बसें लगभग आती हैं। एकदम भंडार घर के अंदर आ गए, यहाँ पर पकवान जो है वो सभी बने हुए हैं और साथ में हमारे साथ
जो यहाँ के हेड है उनसे बात करते हैं। पहले नाम जानेंगे, आपका नाम जी? हाँ जी, प्रेमचंद जी, जो ये भंडारा भरता है, कितने लोग आप हैं, कैसे कार्य करते हैं? ऐसे तो बांटने वाले 4-5 लड़के बांटने वाले जी, और 2-3 मेरे साथ जी। लगभग कितना समय हो गया आपको माता की सेवा करते हुए चलने में? 45 साल जी। तो ये सरकार की एंट्री से कि प्राइवेट? नहीं, सरकार के। तो तनख्वाह वगैरह को मिलती है कि जी? सही। तो लगभग कितने भगत जन आते हैं, कितना लंगर बन जाता है? अब भगत जन तो जी बहुत ज़्यादा, आजकल तो ज़्यादा रश है जी, गर्मियों में टूरिस्ट चला हुआ है जी। तो जैसे आज का भंडारा है, आज तो छुट्टी भी नहीं है, छुट्टी वाले दिन थोड़ा ज़्यादा होता है, मगर आज भी कोई 1000-1500 खाना खाएंगे जी। और संडे को तो 4000-5000 खाना खाते हैं, मंगलवार को 2500-3000 छुट्टी वाले दिन जी जी 2500-3000 का खाना बनता है और खा के जाते हैं। तो आपकी परमानेंट ड्यूटी यहीं पर है? परमानेंट ड्यूटी। तो आपके साथ कितने लोग जो आपकी जो हेल्प करते हैं इसमें? दो लोग हैं जो आपने जो 5000 आदमियों का जी। तो खासकर क्या क्या पकवान ज़्यादा बनते हैं? जो भी इच्छा है भंडारे वाले की जी, जो देना चाहे, जैसे मटर पनीर है, चना पनीर है, आलू चना है, आलू राजमा है जी, किसी के सेपू बड़ी भी बोलते हैं, सेपू बड़ी भी बनती जी, यानी जैसे भी कोई बोलता भाई हमारी च्वाइस है, हमने ये बनाना है, तो ऐसा नहीं है भाई नहीं बनेगा। इसमें पूरी चपाती वगैरह कुछ? पूरी चपाती नहीं। ठीक है जी, पूरी चपाती और पूड़े जी। जब से 15 मन के बनाए, जब से जिस दिन से बंद हुए हैं तो 15 मन के बनाए थे जी, तो वो भी नहीं पूरे हुए जी। पूरी और पूड़े आपको तो पता ही है भैया, जो जितने लोग खाएंगे तो वो तभी प्रसाद दो हमारे जी, एक ही पूड़ा दिया, तो वो सभी लोग मांगते हैं। तो 15 मन के जब पूरे नहीं हुए तो लास्ट में शाम के टाइम मीठी दाल बनाई, फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया, भाई आप अपने को पूड़े दिए, हमारे को मीठी दाल खिलाई जी, बोलने वाला तो बोलते थे उनका, हाँ उनको पता नहीं था भाई ऐसे भी होता है जी, या कम हो गया तो कब बनाया। तो ऐसे तो ये जो भंडारा बनता है बिना लहसुन प्याज के? हाँ जी, बिना लहसुन प्याज। ठीक है, लहसुन प्याज तो बिल्कुल टेस्ट का नहीं होता जी, जो भी कोई ऐसे होते ना, किसी ने एक बात से कोई 10 साल हो गया उन्हें जी, तो ऑब्जेक्शन किया था भी आप कड़ी पाउडर खाते हैं, कड़ी मसाला जी, उसमें लहसुन प्याज जी, तो हमने उसी ढंग से बंद किया भाई। तो आपको लगभग काफ़ी समय हो गया, तो आपकी पीढ़ी में भी कोई पहले ये कार्य करता था कि आप ही हो? आगे आगे चलो बच्चे आता तो है भी, एक बीच वहाँ लगता था सेवा करने जी, ठंडे ठंडे को उसको भी कुछ 20 साल हो गया जी। तो ऐसे जानकारी है भैया, 5000-6000 लोगों के लिए आप भंडारा बनाते हो, और इस उम्र के अंदर तो कैसा महसूस होता है माता के चरणों में बैठकर, क्या कहना चाहते? इसी की शक्ति है माता रानी, कुछ भी महसूस नहीं होता जी। अभी भी कई लोग बोलते हैं, आप जैसे कई लोग बोलते हैं भाई इतनी उम्र में आप इतना काम करते हैं, महसूस नहीं होता जी। फिर ऐसे भी अभी भंडारा भी बनाना, रोज का खाना भी बनाना, सुबह भी बनाना, शाम को बनाना जी, फिर मंदिर में गाय जी, गाय की सेवा भी करनी, डेकड़ू फेंकना, चोरी भी, दूध माता जी को भोग लगता, दूध का भी टाइम। जैसे अपनी गाय की बात की है, मंदिर में गऊ है, हमने देखा भी लोग बड़े पीछे हट चुके हैं, गऊ सेवा नहीं करते, गऊ को पालते नहीं, यहाँ मंदिरों में बहुत छोड़े हुए जी लोगों ने, जब तक दूध दिया तब तक सोई, और फिर अब सड़कों में जैसे पाबंदी हुई ना जब जी, तो यहाँ बहुत छोड़ दिए। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सुनने वाले कई लोग ले भी जाते गाय को, आजकल दो गाय गाय भाई यहाँ से सुनने वाली थी ना जी, तो बाहर से जंगल से ही ले गया होगा जी, बाकी तो जैसे ये जंगल का एरिया हमने देखा है, तो यहाँ और जानवर, कोई जानवर बहुत है कभी आपको मिले होंगे? हाँ, तेंदुआ भी है जी, चक्रवर्ता भी है, तो कोई नुकसान? हमारे माता रानी की कृपा ऐसी है, ये बाहर ही रहते हमारा भी, हमारे भी जो उनके साथ रहते हैं, कोई गाय दूध तो दूध देने वाली हो तो बंदी हुई रहती है, मगर जो कोई सुने वाली है तो इनके साथ वो नहीं भी आती, इनके साथ भी है। हमें देखने भी इसमें अपने चावल डाल दिए जाते हैं, लगभग कितने चावल आ जाते हैं इसमें? 6 कट्टे बन के आएंगे, 6 कट्टे आए, यानी 25 किलो आए, 35 किलो के, 35 किलो के 6 कट्टे। तो ये आप फुल होगा भर के, ये आप संडे को सुबह फुल हो जाएगा भर के। कविता। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? हरियाणा। हरियाणा से चुंडी बंदी है अपने, क्या महत्व इसका पता है कुछ?
मैं तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि यहाँ मांगने से मनोकामना पूरी होती है जी। जो विषय जम करते हैं यहाँ पे वो सब कुछ यहाँ पे माता रानी के दरबार में पूरा होता है जी। आप हरियाणा से आए हो, पहली बार आए हो किसी? पहली बार ही आए। तो कैसे पता चला स्थान का? ये तो शिमला में पूछा था कि मंदिर और कुछ नेट पे सर्च वगैरह करके। कैसा लगा आपको पहली बहुत बार? अच्छा लगा। और मौसम का भी काफी फर्क है? मौसम का भी बहुत अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं।